बात नहीं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अतुल वाजपेयी जी, आप जो है YouTube चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत लिख के यदि आप सर्च करेंगे तो जी आपको हमारी चैनल मिलेगी जिसमें 4,300 से भी अधिक वीडियोज हैं। ओके ओके और ये इस देश को 21 लक्ष्यों के लिए के साथ बदलने की पूरी कवायद है। जी आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। तो इसके लिए आप हमारी मदद करेंगे? बिल्कुल सर जी। ओके, आपको इतनी सी मदद करना है। आप कहाँ विराजते हैं? मैं फतेहपुर, जनपद फतेहपुर जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में। जी। तो फतेहपुर होने के बाद भी जो है, आप चूंकि जागृत व्यक्ति हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, क्या अपने जी लोगों के माध्यम से ऐसे युवा और अच्छे लोगों को, समाज सेवी बच्चों को, जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन की तरफ से हम मध्य जी प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उतार सकें? वैसे हमारा फोकस केवल मध्य प्रदेश है, लेकिन यदि जी और जगह के लोगों के नाम आएंगे तो उन्हें भी वहां पर भी हम नामांकन भरेंगे, राइट? लेकिन जी मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों में हम जी नामांकन भरने वाले हैं, राइट? तो आप हमको, युवा साथियों को, समाज सेवी लोगों को जो जी मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट में हैं, जो अपराध मुक्त भारत मिशन के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहेंगे, ऐसे लोगों के नाम पहचानने में, सुझाने में हमारी मदद करेंगे। आज जो है नामांकन भरने का पहला दिन है। हमें, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें 25 तारीख तक सभी 230 सीट में नामांकन भरना है। क्या जी आप हमारी मदद कर पाएंगे? बिल्कुल सर, जो हो सकेगा मैं इसमें कर दूंगा। आपको इस बात का एहसास है कि अभी भी आप गुलाम हैं? हाँ बिल्कुल है आपको ये जानकारी है कि आपके ऊपर वही नियम कानून थोपे हुए हैं जो जो, पहले थे। नहीं, पहले थे? कहने से वो समझ में नहीं आता है। पहले से वैसे नहीं कहूंगा मैं कहूंगा कि वो नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीयों को शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, न्याय का ढकोसला करके, न्याय ना मिले और न्याय पाने की उम्मीद में आप बर्बाद हो जाएं, इस नीयत से बनाए गए नियम कानून आज भी हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने देश की प्रिय जनता पर थोप के रखे हुए। खोप रखा है बिल्कुल सही। जो चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने बिल्कुल भारतीयों का सर शोषण करने के लिए जो व्यवस्था बनाई थी, वही दुष्ट व्यवस्था आज भी आप पर थोपी हुई है। जो लाट साहब है, जो आपके प्रति अकाउंटेबल नहीं है, जो इन दुष्ट राजनेताओं की चरण सेवक बन चुकी है। आप थाने जाते हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होती है, आप कोर्ट जी कचहरी जाते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती है, आप रेवेन्यू के ऑफिसर्स के पास जाते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती है, आप दर दर भटकते हैं और आपको न्याय नहीं मिलता है। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। तो आप जो है, क्या मुझे अच्छे युवा, बेहतरीन जज्बेदार व्यक्ति जो अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं, क्या उनके नाम सुझाएंगे जो क्राइम फ्री भारत के उम्मीदवार के तौर पर खड़े होंगे? बात करके बताऊं सर अभी तो। नहीं, देखिए बात तो करना ही पड़ेगी। आप तो सिर्फ उनसे बात करके नाम सुझा दो और उनको, मुझे उन नाम को भेज दो, नंबर को भेज दो, या तो वो मुझे बात कर लें या मैं उनसे बात कर लूंगा, क्योंकि इस, आपको व्हाट्सएप पे नाम डिटेल सब डाल दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं केवल आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज से नामांकन चालू हो गया है, हम 25 तारीख तक सभी 230 सीटों पर अब नामांकन भरना चाहते हैं। तो जितनी ओके सीटों पर आप हमारी मदद कर पाए, हमें अच्छे उम्मीदवार को खोजने में मदद कर पाए, तो मैं आपको बता दूं, बिना खर्च के जो है वो जीतेंगे भी। और यदि सिर्फ सोते हुए, डरे हुए, घबराए हुए लोग सिर्फ खड़े होकर जुड़ जाएंगे तो हमारा 90% काम हो जाएगा। यदि वो 10 लोगों को जोड़ देंगे तो 99% काम हो जाएगा, और यदि बिल्कुल 90 लोगों को जोड़ देंगे तो 100% काम हो बिल्कुल जाएगा। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर विजय पाते हुए क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों की जो है ना सरकार बनेगी। कमलनाथ जो छिंदवाड़ा मॉडल का गुमान करते हैं, वो छिंदवाड़ा से हारेंगे। जो माननीय जो है शिवराज सिंह चौहान घोषणा वीर बने हुए हैं और उन्होंने जो है ना सरकार को खोखला कर दिया है, वो विदिशा के अपने गढ़ से हारेंगे। बस बस, केवल सही उम्मीदवार होना चाहिए और सोते हुए, डरे हुए, घबराए हुए लोग
सिर्फ जुड़ जाएं। बिल्कुल इतने में मैं ये महापरिवर्तन अभी एक महीने के बाद मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को सरकार बनाकर दिखाऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल आप मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं? नहीं, अभी आपने बताया था ना। हाँ, तो मैं 1984 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ जी, मध्य प्रदेश कैडर का हूँ जी, 7 साल तक डीजीपी के पद पर रहा हूँ जी, मैं डीजीपी रेलवे, डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और डीजीपी पुलिस रिफॉर्म के पद पर रहा हुआ हूँ जी, जी 2017 में अपराध मुक्त भारत टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है यह प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजकर 2019 में उसे नेशनल पुलिस मिशन बनाने में सफलता पाया। यस। और उस मिशन का प्रोजेक्ट हेड और नोडल ऑफिसर मैं ही हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई है कि जहाँ के राजनेता दुष्ट हों, स्वयं अपराधी हों और अपराधियों को ही जो है ना सिलेक्ट करने में उनकी रुचि हो, ऐसे दुष्ट राजनेताओं को रहते हुए इस देश के बच्चों को कभी भी जो है ना अपराध मुक्त भारत नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो अब खड़े हो जाइए, जाग जाइए अतुल वाजपेयी जी जी, और जितना भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। ओके सर, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।